बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फैट्स के ऊपर है, ठीक है। इसके हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फंक्शंस पे बात करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। फैट्स आर द बेस्ट नोन मेंबर ऑफ अ केमिकल ग्रुप कॉल लिपिड्स। हमारे पास जो तीन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे तीन मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब लिपिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? फैट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द टर्म लिपिड इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस करेक्टराइज बाय देयर इनसोल्युबिलिटी इन नेचर। अब लिपिड्स की क्या खसूसियत है? एक तो वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और वो क्या है? इनसोल्युबल इन वाटर, ग्रीसी व्हील है और सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? लाइक ईदर क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और अदर फैट सॉल्वेंट। इनके अंदर लिपिड्स सोल्यूबल हो सकता है, अदरवाइज इसकी जो वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी है वो नहीं है, ठीक है। द टर्म लिपिड वॉज फर्स्ट यूज बाई जर्मन बायोकेमिस्ट ब्लॉर इन 1943। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया था हमें वो 1943 में ब्लॉर ने दिया था। अब इन नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट्स फैट कॉन्स्टिट्यूट बिटवीन 10 to 15% ऑफ द बॉडी वेट। नॉर्मल ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो 10 to 15% होता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी फैट 99% इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। हमारे पास जितना ज्यादा जो मतलब फैट जो स्टोर्ड होता है बॉडी में, 99% कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में होता है, जहाँ पे मसल्स ज्यादा, हम जैसे लाइक हम कहते हैं कि जिन्होंने मसल वेट गेन करना हो, लाइक हम बॉयज कहते हैं हमने बाइसेप्स बनाने हैं, तो वहां हमारे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। फैट्स प्रेजेंट इन द डाइट और इन ह्यूमन बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रोल। अब जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स जो हम डाइट ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में फैट्स प्रेजेंट होते हैं? फैटी एसिड में ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रोल की फॉर्म में हमारी डाइट में फैट प्रेजेंट होते हैं। ईच फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 कंपाउंड, 1 अल्कोहल एंड 3 फैटी एसिड। हर एक जो भी फैट का मॉलिक्यूल है वो 4 कंपाउंड से मिलकर बन रहा है, जिसमें 1 अल्कोहल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे। अब इनके फंक्शंस पे बात करते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन है इंसुलेशन एंड पैडिंग। अब ये क्या है? फैट्स आर डिपॉजिटेड इन एडिपोज टिश्यू। हमने ये पहली बात की कि फैट्स है वो एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है, वहां जाके स्टोर होता है, और सबस्टिटेनियस टिश्यू एंड अबडोमिनल कैविटी, ये तीन जगह हैं जहां पे फैट्स जो है वो स्टोर्ड होता है। फैट्स अराउंड द ऑर्गन्स एंड लेस्ड थ्रू आउट द मसल टिश्यू। कहाँ पे? ऑर्गन्स के हमारे ऊपर भी, और जो हमारे मसल्स टिश्यू हैं वही मैंने बाइसेप्स वाली बात की, तो वहां जाके फैट स्टोर, वहां पे भी जाके स्टाउंडिंग अपनी बनाता है। फैट फंक्शन लाइक इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट कोल्ड। अच्छा, हम कहते हैं ना मोटे बंदों को ज्यादा ठंड नहीं लगती, तो क्यों नहीं लगती? उनके ऊपर फैट ज्यादा है। अब फैट हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम कर रहा है, वो जो हीट हमारी बॉडी को वार्म अप कर रहा है, जो ठंड आ रही है उससे उसको बचा रहा है। फैट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन अगेंस्ट फिजिकल इंजरीज बाय फॉर्मिंग अ पैडिंग ऑर्गन अराउंड देम। हमारी अक्सर ये जो हमारे ऑर्गन्स है ना, इसके जो इर्द के जो फैट लगी हुई है, ये मेनली किस पर्पज के लिए? कि वो अगर कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है या कहीं खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे ये बचाता है, ठीक है। इंसुलेशन का काम भी करता है और पैडिंग बचाव का काम भी करता है। अब आई थिंक मुझसे स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, चले। सेफ्टी फंक्शन, फैट्स इम्प्रूव द पलेटेबिलिटी ऑफ द डाइट। अब फैट क्या है? वो हमारी जो डाइट है, ठीक है। अब प्लेटेबिलिटी मीन्स टेस्ट को इन्हांस करता है। हमारी डाइट में फैट जब हो तो हमारा खाना टेस्टी हमें लगता है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एक बॉयल्ड एग, बेशक वो बहुत हेल्दी है, ठीक है, बॉयल्ड एग आपको, सॉरी बॉयल्ड पोटैटो, आलू, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसकी नस्बत अगर आप वही आलू फ्राई करके ऑयल में चिप्स बना के खाएं, वो आपको टेस्टी लगेंगी, ठीक है। इट्स स्लो डाइजेशन रिजल्टिंग इन स्टायटी, अ सेंस ऑफ फुलनेस एंड सेटिस्फिकेशन आफ्टर ईटिंग। अब ये क्या करता है? एक तो डाइजेशन स्लो करता है, ये मैं आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, उसमें हम बात करेंगे डिटेल में। रिजल्टिंग इन स्टायटी, वो क्या करता है कि हमें फुलनेस देता है, हमें खाने के बाद फौरन भूख नहीं लग जाती क्योंकि स्लो डाइजेशन कर रहा है ना।
इन द एब्सेंस ऑफ फैट द फूड बिकम नॉन प्लेटेबल, मतलब अगर फैट खाने में नहीं है तो खाना इतना वो भरा भरा नहीं है और हमें मजा नहीं आता खाने का. अब कैरियर्स ऑफ फैट सोलूबल वाइटमिन, सॉरी डाइट्री फैट इज अ कैरियर ऑफ फैट सोलूबल वाइटमिन ए डी ई एंड वाइटामिन के. डाइट्री फाइबर्स में कौन से फैट सोलूबल वाइटामिन हैं? हमारे पास ए, वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन डी ई एंड के. फैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन ए एंड इट्स प्रिकर्सर कैरोटीन. फैट्स हमारे पास किस लिए जरूरी है? वाइटामिन ए की अब्सॉर्प्शन के लिए और उसका जो प्रिकर्सर है कैरोटीन, ठीक है, उसकी अब्सॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब है फैट्स प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड विच द बॉडी कांट मैन्युफैक्चर. फैट्स हमें बहुत से ऐसे फैटी एसिड्स देते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स देते हैं. एसेंशियल फैटी एसिड्स वो जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पा रही, हम बाहर से थ्रू डाइट लेते हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करता है. कौन करता है? फैट करता है. फैट्स आर द कॉन्स्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. हमने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा होगा एफएससी की बायोलॉजी केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सॉरी. तो उसमें क्या था कि सेल मेम्ब्रेन पहले जो उसका स्ट्रक्चर आया था वो सैंडविच टाइप ना, यू नो, दरमियान में प्रोटीन है और आज साइडों पे लिपिड्स की लेयर है. तो इसी तरह फिर बाद में जो दूसरा स्ट्रक्चर आया था एम्बेडेड सेल स्ट्रक्चर, उसमें क्या था कि दरमियान में फैट डिपॉजिटेड है. तो वो उन्होंने बात की है कि फैट के जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन पे भी है और आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, उसकी मूवमेंट पे हेल्प आउट करती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सोर्सेज की. सोर्सेज ऑफ डाइट्री फैट्स, फैट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, कहाँ कहाँ से हम इसके सोर्सेज, हम डाइट्री फैट्स को ले सकते हैं. अब एनिमल में अगर बात करें, घी, बटर, मिल्क, चीज, एग्स एंड फैट्स फॉर मीट एंड फिश, ये एनिमल ओरिजिन है जहां से हम फैट को गेन कर सकते हैं. फैट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, सेसमी ऑयल एंड कॉर्न ऑयल, ये ऐसे फैट के सोर्सेज हैं जो हम प्लांट से ले सकते हैं. इसके अलावा अदर सोर्सेज कौन से हैं? सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड. ऑयल सीड में कौन से हैं? सनफ्लावर, सैफ्लावर और सोयाबीन, कॉटन सीड और इसके अलावा राइस ब्रान एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल से. ये सोर्सेज है जहाँ से हम हमारे डाइट्री फैट्स, मीन्स हम डाइट्स के थ्रू फैट्स को इनटेक कर सकते हैं. अब इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं. मेनली क्लासिफाइड इनटू टू वे, बेस्ड ऑन बायोकेमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन न्यूट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. दो वेज पे हम इसको, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, बायोकेमिकल कंपोजिशन पे और न्यूट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पे. बायोकेमिकल सिग्निफिकेंस इस पे बात करते हैं तो पहले हमारे पास इसकी टाइप्स है सिंपल लिपिड. सिंपल लिपिड आर डिफाइंड एज दूस विच यील्ड ओनली वन और मोर फैटी एसिड एंड एन अल्कोहल ऑन हाइड्रोलाइसिस. सिंपल लिपिड्स कौन से होते हैं? जब उनकी हाइड्रोलाइसिस हो, यानी यील्ड ओनली वन, सिर्फ एक या दो फैटी एसिड बनाए. जब उनकी ब्रेक डाउन हो तो हमारे पास फैटी एसिड दे और हमें एक अल्कोहल दे. ठीक है, फैट्स एंड ऑयल ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लाइसराइड. फैट्स और ऑयल्स को हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं. इसकी एग्जाम्पल्स में है जो, ठीक है, फैट्स और ऑयल्स और जिसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं और वैक्सेस. सेकेंड इसकी टाइप है कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड आर दूस लिपिड विच कॉन्टेन इन एडिशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल. पहले हम बात क्या की थी? सिर्फ फैटी एसिड, अब फैटी एसिड के साथ अल्कोहल था. इसमें क्या है कि फैटी एसिड के साथ जो ग्लाइसरोल है एंड अदर सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस एसिड, बेसिस, शुगर, प्रोटीन्स और भी कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड साथ अटैच होते हैं. इसकी एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, स्पिंजोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन्स. अब हम बात करते हैं कि ड्राई प्रोटीन, देयर आर डेरिवेटिव ऑब्टेन डेरिवेशन ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड. हाइड्रोलाइसिस पे सिंपल और कंपाउंड लिपिड की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी जो करेक्टर जो मिलते जुलते हैं लिपिड की तरह, तो उन्हें हम ड्राई लिपिड कहते हैं. उनको कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ मैच करती हैं. इसमें एग्जाम्पल देखेंगे फैटी एसिड, मोनो एंड डाइग, अकाइल ग्लाइस्ट्रोल, लिपिड सोलूबल वाइटामिन, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स एंड कीटोन बॉडीज.
तो ये तीन टाइप्स थी, यही तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको प्रॉपरली समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो आपकी तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।